संगीता भटेजा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप रोलिक स्टेज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुलसी दल से माला बनाने की एक नोड मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं एक डिफरेंट टाइप की नोड आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत आसान है। आप इस तरीके से भी तुलसी माला बना सकते हैं। इसके लिए हमें पहले सबसे पहले तुलसी को लेके इनके दल तोड़ने हैं, मंजरी वगैरह अलग करनी है और छोटे छोटे इस तरीके से दल हमने ले लेने हैं। अगर तुलसी दल में कोई खराब पत्ता है तो आप उसे निकाल देंगे। इस तरीके से सारे तुलसी दल को हमने साफ कर लेना है। मैंने यहाँ कुछ कलियाँ ली हैं और साथ में लिया है कलावा। मैं आपको ये नोड बता रही हूँ, हमने इस तरीके से कलावा को पकड़ना है, थोड़ा कलावा हमने छोड़ना है। मैंने यहाँ पेन लिया है, आप चाहें अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप चाहें पेन या पेंसिल पे एक दो बार हाथ से नोड बना के देख लीजिएगा, इससे बनाने में आसानी हो जाती है। पेन के नीचे से हमने धागे को ऊपर की ओर लेना है, एक राउंड दे के और इस तरीके से हाथों पे धागे को फोल्ड करके दूसरी साइड से हमने निकालना है। एक बार फिर से देखेंगे, हमने इस तरीके से पेन को या पेंसिल को रखना है, धागे को ऊपर की तरफ से घुमाना है, फिर इस थ्रेड को इस तरीके से फिंगर पे घुमाते हुए इधर से निकालना है। नॉड सही है या सही नहीं है ये जानने के लिए आपने पेन को निकालना है। जब हम पेन निकालेंगे और इस धागे को छोड़ेंगे तो इसमें कोई गांठ नहीं लगनी चाहिए, इसका मतलब ये हमारी नॉड जो हमने बनाई है ये बिल्कुल सही है। अब हम माला को बनाना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा थ्रेड हमने छोड़ दिया है, आप चाहें तो इसके लिए धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटा धागा आपने इसके लिए लेना है। तुलसी दल को दोनों साइड लगाने हैं, इस साइड और इस साइड। हमने थ्रेड को घुमाया और इस तरीके से ले लिया। ये बिना सुई के माला बनाने की मेथड है जो कि बहुत ही आसान है। ठाकुर जी को, वेंकटेश्वर प्रभु को तुलसी माला बहुत पसंद है। इस तरीके से आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, पेन पेंसिल को लेके प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी है। इसमें मैं अब कुछ कलियां लगा रही हूं। आप चाहें तो इसे खाली तुलसी दल से भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आप जितनी बड़ी या जितनी छोटी चाहें माला बना सकते हैं। देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है तुलसी दल से माला को घर पे बनाना। अगर आप फर्स्ट टाइम माला बना रहे हैं तो मैंने आपको शुरुआत में आपने किस तरीके से नॉट बनानी है यानी कि पेन पे नॉट लगाने की टेक्निक बताई है। आप उस तरीके से एक दो बार नॉट की प्रैक्टिस कीजिए, देन ये माला बहुत इजी तरीके से आप घर पे बना सकते हैं। आप भी अपनी तुलसी दल की माला बनाइए और अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए। पंचामृत बनाने के लिए हम लेंगे एक गिलास दूध। जैसा कि नाम से ही पता चला है पांच अमृत के लिए हमें एक चाहिए दूध, तो एक गिलास मैंने दूध लिया है। सेकंड हम लेंगे दही, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, इन्हें पांच अमृत कहा जाता है। एक टेबलस्पून मैंने दही लिया है, दूध के अंदर हम दही मिक्स करेंगे। दही को हम क्वांटिटी जो है हमेशा कम रखेंगे क्योंकि जब भी हम चना मत बनाते हैं तो ये पूजा के वक्त कम से कम एक डेढ़ घंटा लगता है पूजा में और एक डेढ़ घंटा चना मत पड़ा रहता है। अगर आप दही की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे तो वो एकदम बिल्कुल जो पंचामृत है वो दही बन जाएगा, इसलिए हमें जब भी आप पंचामृत बनाएं दही की क्वांटिटी बहुत कम रखें। एक दो बूंदे मैंने घी की डाली है, एक चम्मच शहद, और गंगाजल। इस पंचामृत को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें लिया है एक टेबलस्पून बूरा
कुछ कटे हुए मखाने, मखाने इस तरह के रहते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इन्हें आप लेके कच्चा ही इसी तरीके से काट लेंगे। आप चाहे तो इसमें चिरौंजी भी ऐड कर सकते हैं। साबुत गोला, गोले को कद्दूकस किया हुआ है, 1 टेबलस्पून हम कद्दूकस किया हुआ गोला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम रख लेंगे। अगर आपने गणेश जी को या देवी के लिए प्रसाद बना रहे हैं, नवरात्रों में बना रहे हैं, तो इसे आप ऐसे ही भोग लगाएंगे। अगर आप वैष्णव हैं और कन्हैया को या फिर आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं तो बिना तुलसी के वो इसे स्वीकार नहीं करते हैं। ये पंचामृत इतना टेस्टी होता है, जो भी इसे पीता है वो बार बार इसके डिमांड करता है। आप इस तरीके से इस पंचामृत को बनाइएगा और प्रभु को भोग लगाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। धनिया पंजीरी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कटोरी धनिया, 1 कटोरी पीसी हुई चीनी यानी कि बूरा, 1 कटोरी मखाने, 1/2 कटोरी लेना है काजू किशमिश और बादाम, 1/2 कटोरी घी। सबसे पहले घी को गर्म करके ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हल्के रोस्ट हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी घी में हम मखानों को भूनेंगे। ये मखाने फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। इस घी में से थोड़ा सा घी हम निकाल रहे हैं और 1 चम्मच घी में हमने ये धनिया को रोस्ट करना है। फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिएगा ताकि धनिया जले नहीं। सिर्फ 1-1.5 मिनट ही हमने इसको भूनना है। धनिया हमारा फ्राई हो गया है, अब हम इस धनिया को भी निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ग्राइंडर में डाल के मखानों को हल्का सा दरदरा करना है। इसको बहुत ज्यादा नहीं पीसना है, बिल्कुल थोड़ा सा पीसना है ताकि ये पीसीज आपस में अलग हो जाएं, टूट जाएं। फ्रेंड्स, ये मखाने मैंने दरदरे पीस लिए हैं, इसी में मैं आप धनिया को बारीक पीसूंगी। बिल्कुल धनिया को बिल्कुल बारीक पीसना है। ये मैंने इसको धनिया को पीस लिया है, अब मैं इसमें बूरा डाल के मिक्स करूंगी। ये मैंने धनिया बूरा पीस लिया है, अब इसे कढ़ाई में डाल के सबको मिक्स कर लेंगे। इसी में हम मखाने ऐड करेंगे। इंडक्शन या गैस हमने ऑन नहीं करना है, सिर्फ इसे मैं मिक्स करने के लिए इसका कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ड्राई फ्रूट डाल के इसे भी मिक्स करेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी धनिया पंजीरी। इसे आप भी बनाइएगा और ठाकुर जी को भोग लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर से लिख के बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर से क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।